डेट ऑफ परचेज जो है, डेट ऑफ एक्विजिशन वो है आपका 1 अप्रैल 2017, और आपने न्यू कंपनी रजिस्टर किया, पहले पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर किया 1 अप्रैल को, और उसको अपने कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया वीके प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, न्यू कंपनी फॉर्म की, और 1 अगस्त 2017 को आपने रजिस्ट्रेशन किया. The agreement also provided that vendors are entitled to 60% of profits for period up to 1 August 2017. मतलब जब तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है न्यू कंपनी के नाम से, न्यू कंपनी वीके प्राइवेट लिमिटेड से जब तक फॉर्म नहीं होती है, मतलब 1 अगस्त तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को 60% प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म को देना है. वेंडर का मतलब जो अपनी कंपनीज बेच रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म सेल कर रहे हैं, उन पार्टनरशिप पार्टनर्स को 60% का प्रॉफिट आपको देना है. जब तक आप उनके नाम से कमा रहे हो, आपको 60% प्रॉफिट उनको देना है. जैसे ही आप अपने नाम से कंपनी 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट करोगे, उस दिन से आपको फिर वो प्रॉफिट देना नहीं पड़ेगा. मतलब जब तक 1 अगस्त आए तब तक आपको जो प्रॉफिट हुआ उसका 60% आपको देना पड़ेगा. चलिए पीएनएल अकाउंट देख लेते हैं. पीएनएल के स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेडिंग का भी इंफॉर्मेशन दिया है थोड़ा, स्टॉक मटेरियल कंज्यूम वेजेस फैक्ट्री ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स एंड स्टॉक. तो हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से करते हैं ना. हम इनकम के साइड में ग्रॉस प्रॉफिट को लेते हैं और इसको सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं. तो हमें सेल्स रेशो की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जो सेल्स पहले थी प्री इनकॉर्पोरेशन में, टोटल 3 लाख है, इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन में कितनी सेल्स थी और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितनी सेल्स थी. तो हमारा ये बेस है और इसी बेस के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट को हम अलग अलग करेंगे, प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को. और जो भी प्रॉफिट हमें लास्ट में होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होगा, उसका 60% हमें वेंडर को देना है, यानी जय विजय एंड कंपनी को देना है, क्योंकि इनके नाम से हमने ये बिजनेस का प्रॉफिट कमाया है 1 अगस्त तक. मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट में से 60% आपको देना है वेंडर को, यानी जय विजय एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को. तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद सैलरीज. सैलरीज कौन से होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कि वेरिएबल? एफ के वी चैट में लिखो. सैलरीज फिक्स्ड होती है कि वेरिएबल होती है? फिक्स्ड. ओके, फिक्स्ड होती है. अगर फिक्स्ड है तो टाइम रेशो से करेंगे के सेल्स रेशो से? टाइम रेशो. वेरी गुड, टाइम रेशो से करेंगे. तो जो सैलरीज है, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड इन नेचर, तो उसको टाइम रेशो से करेंगे. टाइम रेशो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, ये 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है इनका पीएनएल, तो अकाउंट क्लोजिंग 31 मार्च. अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, अप्रैल में जून जुलाई, 4 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन, 8 महीना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो 4:8 मतलब 1:2, समझ रहे हो? जब हम यहाँ पे अगस्त का देख रहे हैं ना, तो अगस्त से लेके मार्च तक 8 महीना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीना.
अभी आप रेंट देखिए, रेंट फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल होता है? नंबर टू है रेंट। चलो क्या एक ही स्टूडेंट को मैं पढ़ाती हूँ? हार्दिक, सुविधा, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? आंसर कौन करेगा? रेंट फिक्स्ड होता है तो कौन से रेशो से करेंगे? अभी आप लोग दूसरे बच्चे भी आंसर करने चाहिए ना। हाँ टाइम रेशो, ऑफिस एक्सपेंसेस। हार्दिक तो अभी भी नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो से करेंगे के सेल्स रेशो से? जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड होता है तो टाइम रेशो से करेंगे। हाँ अभी आंसर आया हार्दिक का, मतलब वो छोड़ के ऐसे ही चला गया था फोन ऑन करके, ध्यान नहीं देते हो आप लोग। सेल्स कमीशन सेल्स रेशो से करेंगे। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कौन से रेशो से करेंगे? ओके सेल्स रेशो से करेंगे। डायरेक्ट मैसेज आ रहा है हार्दिक, दिव्या, जहीर, नमन, जैन, दिव्या कुमारी, रितिका, ये चार पांच बच्चे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं को ही पास करना चाहिए, ये ही सिर्फ बताते हैं आंसर। सचिन दुबे, वेरी गुड। तो सेल्स रेशो से बैड डेब्ट्स को डिवाइड करेंगे। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस डायरेक्टली कहां पे जाएगा? डायरेक्टर फीस डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपनी फॉर्म होने के बाद हमने किया था। ओके दूसरा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है ना? फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल होता है? डेप्रिसिएशन कौन से रेशो से करेंगे? ठीक है, फोर स्टूडेंट्स, टाइम रेशो, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कौन बताएगा? डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर कभी इशू किए प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे वीके प्राइवेट लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए इनकॉर्पोरेशन के बाद। डिबेंचर का इंटरेस्ट, अगर हमने डिबेंचर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इशू किया है तो उसका इंटरेस्ट भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा। दूसरा है इंटरेस्ट टू वेंडर। इसके लिए हम वर्किंग नोट की पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे कंसीडरेशन टू वेंडर वॉज पेड ऑन 1st अक्टूबर 2017।
यानी जब हमने कंपनी 1 अप्रैल को एक्वायर किया है तो हमने उनके बिजनेस का पैसा उनको अक्टूबर में दिया, 1 अक्टूबर को हमने इसका पैसा दिया, यानी जितना परचेज कंसिडरेशन लेट देते हैं ना उसका हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. When we acquire a company, we have to pay something. BK Private Limited ने जब बिजनेस एक्वायर किया जय विजय कंपनी का, तो उनको पेमेंट कभी किया? 1 अप्रैल को एक्वायर किया है तो लेट पेमेंट करेंगे, 1 अक्टूबर को करेंगे तो इतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? तो ये इंटरेस्ट बनता है 6,000. समझा? अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना पेमेंट लेट किया तो 1 महीने का 1,000 और 6,000 रुपया यहाँ पे आपने पेमेंट किया है. यानी 6 महीने लेट किया तो 6,000 आपने इंटरेस्ट दिया. परचेज कंसिडरेशन होता क्या है ये ध्यान से सुनो. जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे पे करते हैं पहले. यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को खरीदा, सीधा 1 अक्टूबर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी 6 मंथ लेट पेमेंट करते हैं. जब हम लेट पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है वेंडर को, सेलर को हमें इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन 6,000 देना पड़ता है. ये 6,000 आपको प्री और पोस्ट में कैसे दिखाओगे? 4 महीना, यानी 4,000 आपका जाएगा प्री में और 2,000 आपका जाएगा पोस्ट में. 1,000 एक महीने का है तो 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के, तो 4,000 उसमें जाएगा और 2,000 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में. उसके बाद नेट प्रॉफिट तो हम खुद निकालेंगे, इसको डिवाइड नहीं कर देना, नेट प्रॉफिट को हम खुद ही निकालेंगे. ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर ये वाला कैरिड डाउन, इधर ब्रॉट डाउन है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट है. इधर ग्रॉस लिखना भूल गए हैं वो लोग, टेक्स्ट बुक वालों ने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा है. इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आएगा 1,20,000. समझा? समझ रहे हो? यस मैम. By profit on sale of investment, ये income side में आएगा. Gross profit के बाद ये वाला भी income side आएगा. ये सब expenses side आएगा. पहले ये आएगी gross profit की, फिर number 2 profit on sale of investment. कितना amount है? 20,000. को हम लोग कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेल की है, कौन से रेशो पे करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे, देखो पढ़ो. इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2017. नंबर 3 एडजस्टमेंट. नंबर 3 एडजस्टमेंट सबको पढ़ना है ध्यान से. देखो यहाँ पे दिख रही है, समझ रहा है? इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर. नवंबर कभी आएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा. अगस्त से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया, 1 अगस्त से. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है. जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई 1 अगस्त में, हमने नवंबर में इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो पूरा इसका जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी, न्यू कंपनी के नाम से होगा. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा 20,000 का प्रॉफिट. समझ रहे हो? एक बार वापस बताती हूँ. जब आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है नवंबर में, 1 नवंबर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अगर आप सेल करोगे तो इसका प्रॉफिट भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा. यानी 20,000 का प्रॉफिट डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखना है. चलिए सेल्स रेशो के लिए कुछ डेटा दिया है. नंबर 1 एडजस्टमेंट पढ़ो. नंबर 1 एडजस्टमेंट, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2017 टू मार्च 2018 इज 150%.
ऑफ मंथली सेल्स फॉर अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल और सितंबर में 1x1x सेल लिखनी है अप टू सितंबर, मतलब अप्रैल में 1x, मई में 1x सेल्स, जून में 1x, अगस्त में 1x, सितंबर में 1x, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक हमारे नॉर्मल सेल्स हुए हैं 1x, लेकिन हमारा अक्टूबर से सेल्स बढ़ गया है 1.5x सेल्स, 150% ऑफ 1x इज 1.5x सेल्स, 1.5x अक्टूबर, 1.5x नवंबर, 1.5x दिसंबर, 1.5x जनवरी, 1.5x फरवरी, 1.5x मार्च। तो हम लोग को पहले दो कॉलम बनाने, एक में जनवरी अप्रैल से लेके मार्च तक लिखना है और राइट साइड में 1x 1x लिखना है सितंबर तक। अक्टूबर से 1.5x चालू करो, लेट द सेल्स भी x ऊपर लिख देना है, और ये सब हमें टोटल करके प्री और पोस्ट का, 4 महीने प्री का टोटल और लास्ट 8 मंथ्स का टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का करके हमें सेल्स का रेशियो निकालना है। जब तक हम ये वाला सॉल्व नहीं करेंगे, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट, तब तक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। सॉल्यूशन हम तभी कर सकते हैं जब हम ये बराबर सेल्स रेशो और टाइम रेशो निकालेंगे। टाइम रेशो निकाला है मैंने वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो, डेट ऑफ परचेज 1st अप्रैल 2017, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st अगस्त, डेट ऑफ ईयर एंडिंग 31st March 2018, 4 months and 8 months, this is the period. One is to two. वर्किंग नोट टू, लेट द सेल्स बी एक्स, हम लोगों को अक्टूबर से सेल्स 1.5x है, डेढ़ गुना सेल्स हो जाएगी 1.5x, अप्रैल से लेके सितंबर तक 1x और अक्टूबर से लेके ऑरेंज कलर में किया है, ऑरेंज कलर में अक्टूबर टू मार्च हमारी डेढ़ गुना सेल्स हो जाएगी। अभी आप इसका टोटल करोगे, 4 मंथ्स का टोटल करो, अप्रैल टू जुलाई का करो पहले, 1x 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 4x, और यहां से लेके 1x से लेके यहां तक 1.5 मार्च तक टोटल करोगे तो 11x, 4x 6 टू 11x, 4 महीने का अलग टोटल और नीचे 8 महीने का अलग टोटल, जो प्री में 4 महीने है उसका अलग से टोटल करेंगे तो 4x, नीचे पोस्ट का हम टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11x, यानी अगस्त से लेके मार्च तक का टोटल करना है और अप्रैल से लेके जुलाई का ऊपर का 4x और नीचे का 11x। ठीक है, समझ में आया? यस मैम।
अभी सेल्स रेशो हमने कर लिया है, इसके बाद का हम लोग को सम जो है प्री और पोस्ट के बाद करते जाना है। ये पहले ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेल्स रेशो के बेस पे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली पोस्ट में। अभी रेंट का देख लेते हैं, एक रेंट का एडजस्टमेंट है वो पढ़ने का है। रेंट 5 नंबर एडजस्टमेंट पढ़ो सब लोग, 5th नंबर एडजस्टमेंट। फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट पढ़ो। रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ फ्रॉम 1st अक्टूबर 2017। मतलब हमें रेंट ज्यादा देना पड़ेगा 1st अक्टूबर से, डबल रेंट देना है। तो हम लोग कॉलम्स बनाएंगे, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 2017 टू मार्च 2018, 12 महीने के सब डेट्स लिख के, और उसके सामने हम रेंट का अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो रेंट का अमाउंट लिखेंगे। 1st अक्टूबर से रेंट आपका डबल हो जाएगा, तो 500 आएगा आपका सितंबर तक, अप्रैल टू सितंबर 500 लिखना है। अक्टूबर से 1000 लिखना है मार्च तक, यानी 6 महीने का रेंट है 500, और बाकी के 6 महीने का रेंट है हजार 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 पर मंथ। रेंट का वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 3। फर्स्ट वर्किंग नोट टाइम रेशो, सेकंड वर्किंग नोट सेल्स रेशो, थर्ड वर्किंग नोट रेंट। जब हम 4 महीने का रेंट अलग करेंगे तो 2000 आएगा, और हमने अगस्त से लेके मार्च तक 8 महीने का रेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 7000 भरा है। ओके, रेंट डबल हो गया अक्टूबर से, डबल हो गया 4 महीने का रेंट हमारा 2000 प्री इनकॉर्पोरेशन में। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी उसका अलग लिखना है, और जब इनकॉर्पोरेट हो गई उसका अगस्त से लेके न्यू कंपनी फॉर्म हुई है तो उसका रेंट हमें अलग करना है। न्यू कंपनी में हमें 7000 दिखाना है, ओल्ड ओल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन में 2000 का रेंट दिखाना है। क्लियर? अब मुझे बताइए इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट? हार्दिक, चलो। बैड डेब्ट्स इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट नंबर 2। बैड डेब्ट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 ईयर्स अगो। जो बैड डेब्ट्स ऊपर दिया है वो बैड डेब्ट्स 2 साल पहले का है। सेल्स जो हमने बहुत पहले किया था ना, 2 साल पहले का सेल्स, मतलब ये जो बैड डेब्ट्स है ये सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगी। 2 साल पहले हमने कंपनी अक्वायर नहीं की थी, हमने तो अभी अक्वायर किया है 1 अप्रैल को, लेकिन ये जो बैड डेब्ट्स है इसको हम इसको सेल्स रेशो में नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्री इनकॉर्पोरेशन में ये बैड डेब्ट्स डाल देना है। वैसे तो हमने सेल्स रेशो से सोचा था,
करने का। लेकिन ये जो वेट डेप्स है, 2 साल पहले जो सेल्स हुई थी उसके पैसे नहीं मिले हैं, वो वेट डेप्स है। बैड डेब्ट्स इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years अगो। 2 साल पहले जो अमाउंट नहीं मिला था सेल्स का, वो बैड डेब्ट्स में अभी भी हमने लिख के रखा है। इसलिए ये सेल्स जो है, बैड डेब्ट्स जो है, ये सेल्स रेशियो से नहीं करेंगे और हम इसको डायरेक्टली कहाँ पे दिखाएंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन में दिखा देंगे। इज इट क्लियर? समझा? बैड डेब्ट्स जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, इन्वेस्टमेंट सेल किया है उसका प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, जो सेकंड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टली, जो थर्ड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टली। मतलब सेकंड प्री में जाएगा, थर्ड पोस्ट में जाएगा, और फर्स्ट सेल्स रेशो की इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, और फोर्थ जो है कंसिडरेशन, जितना लेट पे करते हैं उतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। 6,000 का हम इंटरेस्ट दे रहे हैं जब हम कंपनी एक्वायर करते हैं, इमीडिएटली हमने पे नहीं किया, हमने उसको परचेज कंसिडरेशन यानी जब हमने बिजनेस एक्वायर किया उसका पेमेंट हमने 1 अक्टूबर को किया। जब हम 1 अक्टूबर को करेंगे तो इसका हम जितना भी लेट करेंगे उतना 4 महीने का उसका प्री में जाएगा, बाकी 2 महीने का पोस्ट में जाएगा। तो इसके लिए भी हमें अलग से बनाना है वर्किंग नोट। इंटरेस्ट टू वेंडर्स का भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो, स्पेसिफिक वर्किंग नोट, स्पेशल स्पेशल वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर फोर, वर्किंग नोट नंबर फोर, इंटरेस्ट टू वेंडर्स ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हमने मंथ्स देखना है, कौन से मंथ में हमने पे किया है। इंटरेस्ट टू वेंडर्स ड्यू टू लेट पेमेंट, अप्रैल में एक्वायर किया बिजनेस, पेमेंट कभी किया 1 अक्टूबर को पेमेंट किया है, तो सितंबर तक लेट किया, 6 मंथ्स हमने लेट पेमेंट किया है, जिसमें 4 मंथ्स में, 4 मंथ्स का लेट इंटरेस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, 4 मंथ्स का लेट इंटरेस्ट और 2 मंथ्स का लेट इंटरेस्ट हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भेजेंगे। तो इंटरेस्ट जो हमने लेट पेमेंट किया है 1 अक्टूबर को पूरा इंटरेस्ट 6,000 का दिया, जिसमें 4,000 आपका इंटरेस्ट अप्रैल से लेके जुलाई तक का आएगा और अगस्त और सितंबर का 2,000 आएगा, यानी टोटल 6,000 आपने बाइफरकेट करके अलग अलग किया है एक्सपेंस को इन द पीएनएल अकाउंट। इसका भी आप रेशो बना सकते हो। कंपनी एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017, सो ड्यू टू लेट पेमेंट वी हैव पेड इंटरेस्ट of 6 months, that is of 6,000. इसका रेशियो निकालेंगे 4:2. 4:2 means आपको आएगा 2:1. 4:2 means 2:1. Interest to vendors 2:1 के रेशियो में आपको
करना है डिवाइड 2/3 एंड 1/3. 6000 का 2/3 प्री इनकॉर्पोरेशन में और 6000 का 1/3 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. 6000 किधर से आया देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर 6000 दिखा, जो इंटरेस्ट है 6000 उसका 2/3 प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1/3. लेक्चर टाइम रेशियो 1:2, प्री रेशियो प्री में 1/3 और पोस्ट में 2/3, सेल्स रेशियो 4:11, 4/15 एंड 11/15. तो डिनोमिनेटर में आपको प्लस करके लिखना है. अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ये कॉलम्स में बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. पहले आएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग सेल्स रेशियो से करेंगे, यानी 4/15 और 11/15. अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 1,20,000. 1,20,000 का सब लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो. 1,20,000 का 4/15 ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000
उसका 4/15। ओके मतलब आपका 4/15 जब आप निकालोगे 1,20,000 का, आपको 32,000 आएगा। उसके बाद 1,20,000 का 11/15 निकालो, इनटू 11/15। एट 88,000। वेरी गुड। तो आपको ये फॉर्म में लिख देना है, पहले टाइम रेशियो को लिखना है और 1/3 प्री पोस्ट में 2/3। वैसे ही सेल्स रेशियो का 4/15 एंड 11/15। अभी नेक्स्ट आएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सीधा पोस्ट में डालना है। एडजस्टमेंट में दिया था, नवंबर में हमें इन्वेस्टमेंट सेल किया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टली अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 20,000। उसके बाद हमें करना है टोटल इनकम, दैट इज ए। टोटल इनकम ए, नोट डाउन एवरीबॉडी। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस सैलरीज। सैलरीज को हम लोगों को सैलरीज कितना दिया है क्वेश्चन में, सैलरीज दिया है 30,000। 30,000 को टाइम रेशियो से करना, 30,000 इंटू 1/3। थर्टी टेन थाउजेंड थाउजेंड वेरी गुड। 30,000 इंटू 2/3, ट्वेंटी थाउजेंड ओके। तो आप लोग को समझ में आया, जो सैलरीज है वो फिक्स रेशियो, फिक्स टाइम रेशियो से करना है। नेक्स्ट रेंट का अगर हम लोग देखें, तो हमने वर्किंग नोट 3 में 2,000 और 7,000 का बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंट का वर्किंग नोट नंबर 3 है। ये वर्किंग नोट का नंबर आप बेसिस में लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 3 बेसिस के कॉलम में, और रेंट 2,000, 7,000 प्री और पोस्ट में। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस को टाइम रेशियो से 6,000 इंटू 1/3, 6,000 इंटू 2/3, 4,000। सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो से, सेल्स कमीशन जो है यहाँ पर 15,000 दिया हुआ है, 15,000 इंटू 4/15 एंड 15,000 इंटू 11/15, 11,000। बेड डेब्ट्स के लिए एडजस्टमेंट दिया था, जो बेड डेब्ट्स है वो 2 साल पहले का है, इसलिए वो बेड डेब्ट सीधा प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, 5,000। डायरेक्टर फीस ये हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाती है, बिना कुछ सोचे समझे हमें डायरेक्टली पोस्ट में डाल देना है डायरेक्टली। 8,000 डायरेक्टर फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। डेप्रिसिएशन ये आपको टाइम रेशियो से करना है, फिक्स्ड एक्सपेंस है तो टाइम रेशियो से, यानी 1/3। 18,000 इंटू 1/3 6,000, 18,000 इंटू 2/3 12,000।
डिबेंचर इंटरेस्ट डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, स्पेसिफिक एक्सपेंस है तो डायरेक्टली हम पोस्ट में 8,000। वर्किंग नोट बनाया है इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए, हमने वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट है 4,000, 2,000, ये हमने वर्किंग नोट आप देख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 4। जो यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर्स है उसका रेशो है 2:1, 2:1 में, मतलब 2/3 और 1/3, तो इंटरेस्ट टू वेंडर्स को 2/3, 6,000 इंटू 2/3 4,000, 6,000 इंटू 1/3 2,000। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया 33,000 एंड 72,000, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल। जैसे हमने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60% वेंडर्स को देंगे, जो मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आएगा उसको लिखने के पहले पेंसिल से लिखो जो भी नेट अमाउंट आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस 32,000 माइनस 33,000 लॉस आ रहा है, तो लॉस भी वेंडर को 60% देना है। जो पार्टनरशिप फॉर्म थी पहले उन पार्टनर्स को 60% का लॉस बेयर करना है। ओके, लॉस टू वेंडर 60%, लॉस टू कंपनी 40%, माइनस 1,000। जो 32,000 है उसका, उसमें से 33,000 माइनस करो, इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा है 1,000 से ज्यादा है, तो 1,000 का आप 60% निकालो, ये लॉस को आप वेंडर को दोगे, वेंडर को बोलोगे 600 रुपए का लॉस भरो। वेंडर कौन है? पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप फर्म थी तभी आप बिजनेस से कुछ लॉस किया है अपने बिजनेस में, तो 60% के प्रॉफिट्स या लॉसेस में इनका शेयर है। दोनों में डिफरेंस आप देखोगे तो 1,000 का डिफरेंस है, उसका 60% लेना है और बाकी का 40% आप गुडविल के नाम से लिखोगे। प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस गुडविल बोला जाता है और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, तो गुडविल का आपको लिखना है माइनस 400, 1,000 का 40%, 1,000 का 60%, 600। 1,000 कैसे आया? एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, 32,000 इनकम, एक्सपेंसेस 33,000। ठीक है, और राइट साइड में इनकम ज्यादा है 1,08,000 एंड एक्सपेंसेस 72,000, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 36,000, तो टोटल यहाँ पे हम कर सकते हैं नेट प्रॉफिट 36,000 एंड गुडविल इज 400 एंड लॉस टू वेंडर्स इज माइनस 600। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर।